वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज सिद्धार्थ स्वामी, यू आर वाचिंग बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स। आज है हम संग्राम सागर बाजना मठ मंदिर में और ये 700-800 साल पुराना मंदिर है और ये हमारे दोस्त हैं जिनका पेज है हमारा जबलपुर, जो टूरिस्ट प्लेसेस फोटोज़ वगैरह एंड रील्स वगैरह डाल के बताते हैं। तो इनको रास्ता पता है, एक्चुअली संग्राम सागर एक फोर्ट है, पीछे साइड लेक है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जो भी जैसी भी चीज़ें होंगी वो अब आपको पता चलती जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा मैसेज जो आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, अब देख लेना इस वीडियो को। ये है पार्क, मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, वो जस्ट वहाँ पे बाजना मठ मंदिर वो दिख रहा है। और पार्किंग के लिए नीचे बाइक्स वगैरह आप आराम से स्पेस है, वो खड़ी कर सकते हैं। इवनिंग वॉक्स के लिए भी जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ के कि हमें एक्चुअली में जाना कहाँ है। तो ये है संग्राम सागर लेक और वो बहुत छोटा सा जो फोर्ट दिख रहा है ना, वहाँ जा रहे हैं हम इस वाले रास्ते से। आगे से मैं भी बताता हूँ रास्ता। फैमिलीज़ वगैरह नहीं जा सकती क्योंकि कूद फांद के जाना है लड़कों और लड़कियों को, तो वैसे जा सकते हैं। पीछे से और कोई रास्ता है नहीं, वो मंदिर सामने दिख रहा है, यहाँ बोटिंग वगैरह कुछ नहीं चलती है। बट हाँ, लोटस, ये जो कमल आप देख रहे हैं बहुत सारे खिले हुए, तो हम वहाँ पे पहुँच के फिर वापस आपसे मिलते हैं। तो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे और इसको अब कूदना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। ये ऐसा रास्ता होते जाता है और ये डैम है एक्चुअली, जो अभी बारिश होगी तो ये पूरा भर जाता है और बहुत सुंदर दिखता है। पर वही है ना कि अगर ये भर जाता तो फिर हम क्रॉस नहीं कर पाते, इस वजह से हम अभी आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रैक ठीक है, थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाएगा। ये इतना कूदना है पूरा, ये डैम है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। और भाई मज़ा तो आई, इतना ही कूदने में मेरे को मज़ा आई, ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आती है, अभी चढ़ने में और मज़ा आएगी। थोड़ा सा और बचा है बस वहाँ पे जाना। ये है रास्ता जो भैया आगे आगे जा रहे हैं, हम उनको जानते नहीं हैं पर वो भी जा रहे हैं, हमें भी वहीं जाना है, उनको भी वहीं जाना है। ये सही रास्ता है यार, वो दिख रहा है सामने मंदिर। अंधेरा होने से पहले लौटना पड़ेगा अपन को। भाई है तो बहुत ही तगड़ी जगह यार, अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं, पर ये जो व्यू है पीछे, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, मज़ेदार है। इतने सारे कमल खिले हुए हैं यहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा है। फैमिलीज़ तो नहीं आ सकती यहाँ पे, बट हाँ, जिनको एडवेंचर पसंद है हमारे जैसे लड़के लड़कियाँ, वो आ सकते हैं यहाँ पर। वो वहाँ जाना है, बस पहुँच ही गए। और आज मौसम अच्छा है, धूप नहीं निकली हुई है। ओके, सो रास्ता थोड़ा सा और डेंस होता जा रहा है। ये पहुंच गए हम फोर्ट की तरफ, उस तरफ सूरज है तो उसकी लाइट की वजह से थोड़ा सा सिलहाउट इफेक्ट दे रहा है गोप्रो, बट मज़ेदार। सो गाइस, ये है वो फोर्ट जिसके लिए हम इतनी मशक्क़त करके आए हैं और इसके जस्ट पीछे वो है बाजना मठ मंदिर। और यहाँ चारों तरफ इस फोर्ट के कमल ही कमल खिले हुए हैं। अब हम थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं और देख सकते हो हालत इस फोर्ट की। ये एक तरफ की जो दीवार है वो पूरी एंड पे ही है, ये हर तरफ कमल लगे हुए हैं। ये है वो फोर्ट जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं, देखने में बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन ऑलमोस्ट टूट चुका है ये काफ़ी। अब ऊपर जाएंगे, एक सीढ़ियाँ दी हुई हैं यहाँ से, रास्ता है। सबसे पहले मेरे को ही भेजोगे? अरे यार, ये छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ। भाई बहुत मजबूत है ये, इतना टूटने के बाद भी बहुत मजबूत है यार।
यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह देखो इसकी। भाई बड़ा मजा आ रहा है यार, क्या हुआ? क्या क्या लिखा है देखो यहाँ, कितना सही व्यू है, सामने पूरे कमल ही कमल है। और ये देखो, वाह, दिस इज ब्यूटीफुल मैन, बहुत सुंदर। रुइंस को बचा के रखा नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ये बना बहुत बड़ा था भाई। इसकी आर्किटेक्चर को देख के समझ में आ रहा है, एंड डिज़ाइन अभी भी जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो देख सकते हो, क्या सही लग रहा है। सो ये है पूरा ऐसा गोल गोल, अच्छा बड़ा सा, और मज़ा आ रही है। मतलब यहाँ दीवारों पे लिखी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी चाहिए। ये देखो एक व्यू ये है इस तरफ से, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। तुम लोगों को वीडियो, और ये पूरा टूट चुका है, बोलते बोलते ना मैं बिल्कुल लाइव करता हूँ सारी चीज़ें, तो मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, जल्दबाजी में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। ये चारों तरफ पानी है, पहाड़ हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत ही गजब। डिज़ाइन वगैरह आज भी एग्जिस्टेंस में है, अलग से समझ में आ रही हैं। अब हम और ऊपर जा रहे हैं, ये और पतली सीढ़ियाँ हैं। सो ये एक प्लेस और बची थी हमारे चैनल पे आने के लिए, और यहाँ पे अभी हम टॉप पे खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे वाला जो रास्ता है अभी अभी पता चला है, यहाँ के जो लोग रोज़ के आने जाने वाले हैं उन्होंने बताया कि जो सैनिक सोसाइटी है जबलपुर में शक्ति नगर में, वहाँ से वो सीधा रास्ता है, आप वहाँ से अपनी गाड़ी तक आ सकते हैं, ये पूरी गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी और पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हमें रास्ता पता नहीं था तो हमें पैदल आना पड़ा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम विज़िट करेंगे तो हम वहाँ से ही विज़िट करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सही है, और रोड भी अच्छी खासी बनी हुई है। और अभी आवाज़ गूंज रही है, एकदम टॉप पे है, पीछे पूरा बहुत बढ़िया व्यू है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। भाई यहाँ से उतरने में स्ट्रगल है, क्योंकि सीढ़ियाँ ये देखो यहाँ पे ऊपर पत्थर, और ये एकदम पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। सो सर बचा के अब ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा शॉट्स नहीं ले सकता, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है ना, हर दीवार में कुछ ना कुछ उटपटांग लिखा हुआ है, तो अगर मैं शॉट्स लूँगा तो वो दिख जाएगा और वो अच्छा ही लगेगा पढ़ने में। सो शॉट्स ले नहीं सकते, मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। अगर नीचे दीवारें साफ़ रहीं, वैसे नीचे भी नहीं है, बट अगर कुछ रहा तो देखते हैं। बाकी है बहुत बढ़िया जगह। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा सच घूमने का कोई प्लान नहीं था, बट हाँ बहुत सुन रहे थे संग्राम सागर लेक के बारे में, आगे काफ़ी अच्छी प्लेस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, मुझे लगा ऐसी नॉर्मल सी प्लेस होगी, अच्छी है प्लेस, आप लोग आ सकते हैं, बाइक वगैरह से कह सकते हैं, मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए बी पटेल ब्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।